हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये है स्विच, ये है 5-पिन सॉकेट, ये है 2-पिन सॉकेट और ये है बटन होल्डर। अब मैं इसे बोर्ड में फिट करूंगा। अब मैं इस स्विच सॉकेट को इसमें फिट कर देता हूं। देखिए, इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी YouTube पर कोई वीडियो डालूं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा हौसला बुलंद होता है और मैं और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मैंने सारा स्विच सॉकेट इस प्रकार फिट कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें मैं फेस का कनेक्शन करूंगा। देखिए, ये स्विच में ये स्विच के जो चारों पिन नीचे वाले हैं उसमें फेस का कनेक्शन करना है। देखिए, मैंने पहले से इस वायर को छील के रखा है, इसे मैं ये चारों स्विच में कनेक्शन कर दूंगा। देखिए, इस स्विच के नीचे वाले चारों पिन में मैंने इसे डालकर अब टाइट कर देता हूं। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा स्विच में फेस का कनेक्शन हो गया। देखिए, मैंने वायर को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, ये हमारा फेस हो गया। अब एक छोटा सा वायर लेकर 2-पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन से एक छोर को जोड़ देते हैं और वायर के दूसरे छोर को स्विच के ऊपर वाले पिन से अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। अब एक और छोटा सा वायर लेकर इसके एक छोर को 5-पिन सॉकेट से टाइट कर देते हैं और दूसरे छोर को स्विच के ऊपर वाले पिन से इसे अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार एक और वायर का छोटा सा टुकड़ा लेकर इस स्विच के ऊपर वाले पिन से एक छोर को अच्छी तरह से जोड़ देते हैं और इस वायर का दूसरा छोर 2-पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन से अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। देखिए, इस प्रकार से अब इस प्रकार का दो वायर का टुकड़ा लेकर इस होल्डर में अच्छी तरह से टाइट कर देना है। देखिए, मैंने इस होल्डर में ये दोनों वायर को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब इस होल्डर को इसमें अच्छी तरह से फिट कर दूंगा। देखिए, ये दोनों वायर को यहाँ पे जो दो होल है उसमें डाल देना है। इस प्रकार से और इसे अब मैं अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। देखिए, मैंने इस होल्डर को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब देखिए, होल्डर के ये दोनों वायर में से एक वायर को इस स्विच के ऊपर वाले पिन से इसे अच्छी तरह से जोड़ देता हूं। देखिए, इस प्रकार से देखिए, ये है फेस का वायर
ये फेस इन चारों स्विच के नीचे वाले पिन पे चला जाता है, देखिए इस प्रकार से। और इस स्विच को जब ऑन करते हैं तो फेस यहाँ से यहाँ चला आता है, और ये फिर ये 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन पे चला जाता है। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो फेस यहाँ से यहाँ चला आता है, और यहाँ से होते हुए ये होल्डर में चला जाता है। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो फेस यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से होते हुए इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन पे चला जाता है। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो फेस यहाँ से यहाँ चला आता है, और ये 5 पिन सॉकेट के ये वाले पिन पे चला आता है। अब इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है। इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन पे ये न्यूट्रल कनेक्शन देना है। एक और वायर का टुकड़ा लेकर इसी जगह पे इसे जुड़ना है। देखिए ये दोनों वायर को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, और इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन पे इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये न्यूट्रल का वायर है, और इस वायर में एक और वायर का टुकड़ा जोड़ देते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इसे इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में इसे अच्छी तरह से जोड़ देंगे। देखिए इसे मैं अच्छी तरह से टाइट कर दे रहा हूँ। अब इस वायर को और होल्डर का जो बचा हुआ वायर है, ये वायर वाला वायर, ये दोनों वायर को आपस में ट्विस्ट कर देता हूँ, और इसे इस 5 पिन सॉकेट के इस पिन पे अच्छी तरह से जोड़ देता हूँ। इसे अच्छी तरह से टाइट करना है। देखिए ये है न्यूट्रल वायर, ये वायर यहाँ से 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन पे चला जाता है, और यहाँ से होते हुए ये दूसरे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन पे चला जाता है, यहाँ से होते हुए ये 5 पिन सॉकेट के इस पिन पे चला आता है, और यहाँ से होते हुए ये होल्डर के एक पिन पे चला जाता है। इस प्रकार स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन पूरा हो जाता है। दोस्तों अगर आप अर्थ का कनेक्शन देना चाहते हैं तो 5 पिन सॉकेट में जो 3 पिन होता है उसके ऊपर वाले पिन में आप अर्थ का कनेक्शन दे सकते हैं। अब इसे इस बॉक्स में अच्छी तरह से फिट कर देते हैं, इस प्रकार से देखिए। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फिट कर दिया है, अब मैं इसमें सप्लाई लाइन दूंगा। अब मैं इसमें सप्लाई लाइन का कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसमें सप्लाई लाइन दे रहा हूँ, देखिए। मैं इसे चेक करता हूं कि इसका वायरिंग कनेक्शन सही हुआ है या नहीं। दोस्तों आप अगर चाहें तो इस प्रकार का खुद का स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसका वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल सही है।